ये किसने दिया? चाचू ने। तुमने थैंक यू बोल दिया चाचू को? बोल दिया। ये क्या है? लॉलीपॉप। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, जमा जम बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्लाउडी वेदर है और छोटी सड़क है। ये आगे तड़कन जाती है, ये सड़क जाएगी सरकुंडा देवी टेम्पल कनाताल वाली, कनाताल वाली सड़क से जाके मिल जाएगी। अच्छे से जो डक्चू डांस करती है। ओ ओ ओ गॉगल्स पहनो, गॉगल्स। हाँ आप करो यो यो पापा पापा आगे, पापा आगे बोलो जल्दी, और फोटो खिंचानी है। ले ले लो नानी, हाथ उठा। हाँ नानी को भी बुलाओ, सेल्फी ले लें। एक इको पार्क आए पीछे, इको पार्क आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हुआ सुबह के 9 बजे का और हम अपनी नींद आधी अधूरी पूरी करके उठ गए हैं। और दक्षू उठ गई। हेलो हेलो, नानी का वो दक्षू नानी आ गई क्यों? नहीं नहीं कर रही, तेज बोलो, तेज तेज बोलो लाउडली। हेलो गाइस, हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चाचू चैनल। अच्छा ये किसने दिया आपको? ये किसने दिया? चाचू ने दी। क्या आपने थैंक यू बोला? ये किसने दिया? चाचू ने। हमने थैंक यू बोल दिया चाचू को। बोलिए ये दिखाओ चाचू, देखो गाइस क्या मिला चाचू को। ये क्या है चाचू? लॉलीपॉप। ये चाय का जुगाड़ हो गया, पानी नहीं आ रहा, तो बुलाओ होटल वाले को पानी बुलाया। ये क्या पहन के क्या हाल बना रखा आपने? चले थे क्यों? ये हमारी दिल्ली की चाय मशहूर तैयार हो चुकी है, मशहूर चाय स्पेशली से हमने बुलाया है लक्ष्मी का चाय का। खुद लेके आता है, खुद बनाता नहीं है। अभी क्या चक्कर है? दक्षू चाय पियोगे आप? दक्षू भी चाय पिए, सब चाय पिए। कपड़े कहाँ तेरे? और कपड़े तो मोम आए। तो भी टाइम हुआ है सुबह का और यहाँ पे मौसम बना हुआ है बादलों वाला। बारिश सुबह हुई थी थोड़ी बहुत, अर्ली मॉर्निंग भी हो रही थी, बट अभी क्लाउडी है, बीच में सन थोड़ा सा दिख रहा है, तो शेडो टाइप है अभी, अभी इतनी गर्मी लग नहीं रही तो अच्छा है। अब थोड़ा नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं पे रूम में, फिर उसके बाद देखते आगे क्या प्लान है। सोच रहे धनौल्टी जाएँ, धनौल्टी या दलाई हिल्स जाएँगे। दलाई हिल्स तो मॉल रोड के रास्ते पड़ता है, वहाँ बहुत जाम है क्योंकि आज सारा दिल्ली का ट्रैफिक यहीं आया हुआ है। तो चलते हैं फटाफट, थोड़ी देर मौसम के मज़े लेते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं। तो नहा धो के हो गए रेडी, अब करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है आलू पूड़ी और आलू के परांठे। प्लेट्स ला रहा है, प्लेट लाता फिर खाते हैं फटाफट, फिर आगे निकलेंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं, इनका चल रहा है फ़ोटो शूट। दक्षु खेल रही है अपना गॉगल से, वो पीछे का मौसम बहुत बढ़िया होगा, पूल खेलने टाइम ही नहीं लगा। तो हम यहाँ से जाएंगे धनौल्टी, धनौल्टी की सोच रहे हैं जाने की। धनौल्टी है ना, ब्लू फोटो कितनी है कितना जाके। तो बाकी सब बैठ चुके हैं, फिर चल रहे हैं आगे, देखिए कितनी दूर का रास्ता। तो यहाँ से अभी 2.5 घंटे का रास्ता है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स चले। चलो निकालो, दूसरी गाड़ी भी निकल रही है, वो निकाल रहा है मैम थोड़ा सा, एक मिनट गाड़ी निकाल लें। लोग इतना बिजी हैं फ़ोटो खिंचाने में, किसी को पता ही नहीं है गाड़ी निकल रही है। मैं भी बैठता हूँ और निकलते हैं। हमें जाना है लेफ्ट साइड, मॉल रोड की तरफ ही जाएगा धनौल्टी का रास्ता, नीचे जाता है देहरादून को, तो हम ऊपर जाएंगे। हाईवे पे ही है हमारा होटल स्काई विंग्स करके, तो चलते हैं आगे की ओर। चलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं धनौल्टी के रास्ते, हमने पकड़ा था मसूरी मॉल रोड के बीच ही एक रोड पड़ती है धनौल्टी के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं हम। आगे सारा फॉग ही हुआ है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, हम इंजॉय करते हुए मौसम को आगे निकल गए। बाकी आप देख ही सकते हो पूरा सारा फॉग हुआ है,
हल्की हल्की बारिश है। और एक चीज़ जो सोचने वाली है, पता नहीं इस मैप में क्यों दिखा रहा है 52 hours 56 minutes 67 kilometers, और जो वैसे रास्ते में देखा था बोर्ड पे वो 30 किलोमीटर दिखा रहा था। या तो नेटवर्क नहीं आ रहे क्योंकि नेटवर्क पूरे उड़ गए अभी बंदे का इसलिए। और अभी टाइम हुआ है 12:30 का, तो अभी टारगेट है शायद और एक घंटे में हम पहुँच जाएँगे। थोड़ा सा हम देख के चला रहे क्योंकि बहुत बारिश सी हो रही है और फॉगी भी है, मौसम का इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं आगे तो नॉल्टी पहुँचते हैं, और पीछे ही अगर देखोगे तो बच्चे की गाड़ी आ रही है। पता है पीछे आ रहा है, हम साथ ही चल रहे हैं, तो चलते हैं फिर आगे की ओर। यहाँ पे बारिश हो रही है जमा जम, बारिश हो रही है, छोटी सड़क है। यहाँ सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क जाएगी सरकुंडा देवी टेम्पल कनातालोली सड़क से जाके मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्टी से आगे टीरी डैम यहाँ से 40 किलोमीटर आगे। तो अभी सड़क के खैर ट्रैफिक इतना नहीं है, बट सड़क बहुत नैरो है, तो गाड़ी कोई भी आते तो रुकना पड़ रहा। पूरा फॉगी हो रहा, ऑलमोस्ट 50-60 मीटर की विजिबिलिटी है। जंगल व्यू है, कि डोनाल्टी में है क्या? एक गार्डन है, इको वैली गार्डन, वो भी देखना है। वही देखने जा रहे हैं। यस, वो भी बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे देखेंगे। वेरी गुड, ये करण को जाना था, डोनाल्टी जाना था, डोनाल्टी दी बस, ये डोनाल्टी है, पता नहीं करेंगे देखो। तो वहाँ जाके पहले कहीं पे रुकते हैं, फिर देखते हैं गार्डन है वहाँ पे। छोले बर्गर खाएंगे, छोले बर्गर खाने इतनी दूर आएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं धनोल्टी में इको पार्क पे। यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे हो रही है बारिश बहुत। तो ये अभी भाई और चल गए भाभी, दूसरी गाड़ी पीछे गाड़ी वो उतरने रहा बाबा है। अब वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ तो हो रही है बारिश, तो चाय पी ली जाए। हम यहाँ बैठे हैं द PMF मी स्टोर, हड़ी उत्पाद है यहाँ पे। चाय भी नहीं है, चाय मंगाते हैं। अंदर के प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। ये सारे पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, नहीं है? अच्छा, चाय अलग अलग तरीके की भी है, अलग अलग चीज़ें भी हैं यहाँ पे। देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं। तो अब हम पी रहे हैं चाय यहाँ पे। लक्षु झूला, लक्षु को झूला दिख गया, वो झूला झूलेगी। ये लक्षु झूले रहे, ये खुला हुआ है। हाँ, क्या लेगा? चाय बियर? वो चाय आ गई, पकड़ी चाय। ये बढ़िया था, एक छोटा सा कैफे बना हुआ है, यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे हैं। और बाहर से जो नज़ारे देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया, और जो लोग आ जा रहे हैं वो देख रहे हैं। अभी बारिश शुरू होगी तभी आगे जाएंगे, तब तक हम यहाँ पे पीते हैं चाय। ये तो हमारी पहाड़ों वाली मैगी आ गई। मैगी का टेस्ट ही था, चाय मैगी बढ़िया थी, चाय अच्छी लगी, थोड़ी कम दूध वाली पर अच्छी थी। दक्षु ये दक्षु एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है अपना। हाँ, चाय कहती है। और मैगी दक्षु की बना, दक्षु ऐसे जो दक्षु डांस करती है। ओ, 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 ओ। चलो बात आ जा, अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अब यहीं पे बैठे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या करना है? मेरे साथ चल पड़ो पार्क घूमने। पार्क घूमने क्या करना? काफ़ी देर हो गई है, बारिश बंद ही हो रही है। पार्क में चला चलना, बोला चलो चले बारिश बच्चों चले चलो लेट्स गो। बारिश है भी, इनको फोटो सेशन कराना है, अलग आ रहे हैं। लक्षु ये देख, ये कर दे लक्षु, ये हाँ ऐसे वाली रीले बनवा रहे हैं। वो गाड़ी आ रही है, पहले गाड़ी आ रही, पकड़ो इधर हो जाए, इधर हो जाए। तो हम लक्षु की यहाँ पे फोटो खींचेंगे, ठीक है लक्षु?
स्पेक्स करो नीचे गॉगल्स। हाँ अब ऐसे करो, यो पहले गॉगल्स ऊपर पहनो, गॉगल्स पहनो गॉगल्स। हाँ आप करो यो, यो। पापा को आवाज मारो, पापा आओ, पापा पापा आगे, पापा आगे, बोलो जल्दी आओ, फोटो खिंचानी है। नानी लाओ, नानी आ जाओ जल्दी। हाँ नानी को भी बुलाओ, आ जाओ जल्दी। तो 50 रुपीस में टिकट लेके हमने कर लिया एंट्री, वहाँ से एंट्री हुई है धनौल्टी पार्क की। और यहाँ पे छोटा सा पार्क बना है, अप्रॉक्स 700 मीटर्स का है पूरा। यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने के लिए भी लिखा हुआ है, बर्ड्स वगैरह हैं, और यहाँ पे बोर्ड लगे हैं प्रॉपर की गंदा ना करें। तो आप जब कभी भी ऐसी जगह पे जाएं तो कोई प्लास्टिक की बॉटल्स या कुछ भी ऐसा गंदा ना फेंके। और हम निकलते हैं ऊपर की ओर, फ्लावर्स वगैरह भी लगे हैं काफ़ी अच्छे से। अभी क्लाउडी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप होती तो शायद गर्मी लगती। और चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। बहुत तेज हो गई है। लक्ष्मी ने झूला झूलिया, झूलिया आपने, आओ यहाँ पे बैठिए, इस पे झूलो, इस पे शेड है ना, बैठो डूइंग करेंगे डूइंग, बैठो। ये अच्छा, चलो मम्मा बैठो, चलो झूले झूलो। ये लक्ष्मी, ये देखो। ये मम्मा हम भी ले गया, उनको लेके क्या आ रहा हूँ मैं, ठीक है आप नीचे चलो। दक्षु हम गोली देखे ऊपर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मम्मा कह रही है बारिश हो रही है, तो मैं फोटो देख लेगी तो फिर रोएगी। तो यहाँ पे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के जैसे उत्तराखंड में होते हैं नॉर्मली। और ये ट्रीज लंबे लंबे, आई थिंक देवदार के होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के। तो मैं एक बार आगे जाके देख के आता हूँ कि क्या है फटाफट। बीच में बेंचेस लगा रखे हैं इन्होंने, बैठना हो अगर आपको नेचर की फील लेनी हो वो रो भाई। यहाँ ऊपर आना है, ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है तो फिर नीचे ही आ जाते हैं। चल मैं आता हूँ एक बार चक्कर मार लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं। तो जो लोग हैं नीचे वहाँ खड़े हुए हैं रील्स बना रहे, मैं वहाँ से ऊपर आया हूँ इस रास्ते से। बीच बीच में थोड़ा स्टॉपेज बनाए हुए हैं, सिटिंग के लिए बेंचेस बनाए हुए हैं, और सारा नेचर के बीच में एक पार्क बना रखा है जहाँ पे नेचुरल वे में इन्होंने स्टेप्स बना रखे हैं, और आप ऊपर तक घूम के पूरा राउंड मार के आ सकते हो। ऐसा कोई बहुत अच्छा कोई फ्लावर्स या बर्ड्स या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, नॉर्मल सा पार्क है। तो आपको हल्की छोटी सी ट्रैकिंग करनी हो 700-800 मीटर की तो आप कर सकते हो। मेरा भाई भी अभी यहीं ऊपर गया, भाई भाभी मैं पीछे जा रहा हूँ, देखते हैं आगे कितना बड़ा है। तो वहाँ से हम फाइनली आए हैं यहाँ पूरा चढ़ते हुए, और ये पूरा पीक पॉइंट है जो यहाँ पे सेटिंग है। नहीं वो भी वापस चले गए, दक्षु का चले हम आगे से, हमें आगे रास्ता है तो पूरा वहीं से जाएंगे। तो ये रास्ता आगे जा रहा है, यहाँ से नीचे उतर के वहीं से वापस जाएंगे, फोटोज क्लिक करा लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ से पूरा नीचे उतरते हुए दूसरे साइड से हम आए हैं, यहाँ से पूरा नीचे उतरते हुए। थोड़ा सा बारिश है इसलिए स्लिपरी हुआ हुआ थोड़ा बहुत, बट प्रॉपर स्टेयर्स टाइप बनी हुई हैं। और यहाँ से वापस अगर वो सामने देख रहे हो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है मेरी, वहीं उतर जाएंगे। और ये यहाँ पे भी कुछ स्विंग्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, और छोटे बच्चे इंजॉय कर भी रही हैं। तो अच्छा ओवरऑल एक छोटा सा ट्रैक, एक वॉक अराउंड द पार्क इन नेचर, वो अच्छा लगा। 50 रुपीज़ एंट्री थी यहाँ पे, तो वर्थ इट है। अगर आप कभी यहाँ पे आए धनौल्टी तो आप आ सकते हैं। और हम फिलहाल चलते हैं बाहर, यहाँ से एग्जिट करेंगे और चलते हैं आगे, देखें कहाँ निकलना है। गया। अच्छा लगा दक्षु को, मज़ा आया, चले अब आगे घुमा करने। अब हॉर्स पे राइड लेंगे। हॉर्स राइड लेना है, कहाँ चलना है, क्या करना, फोटो की नहीं पे एंट्रेंस की, रुक जा फिर वहीं से सेल्फी ले लें। इको पार्क आए पीछे, इको पार्क आ गया, चलो अंदर तो आप गए नहीं, चलना पड़ता, हो गया चलो आ जाओ, खींच ली मैंने फोटो।
तो हम यहाँ से चलेंगे इको पार्क से वापस, गाड़ी मोड़ेंगे यू टर्न मसूरी के रास्ते। तो वापस मोड़ ले, यू टर्न लेना पड़ेगा, वापस मोड़ ले।